नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते नारायण वासुदेवाय। नमस्कृता। नारायण नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्ध कुतो कलेवरम् हरे कृष्ण। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायण जना जीवन्ति न आत्मार्थम् असो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्ध कुतो कलेवरम् हरे कृष्ण हरे शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भूतये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्तनात्मार्थमसौ पराशरयम् मुमोच निर्विद्या कुत कलेवरम् हरे कृष्ण। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये उत्तम श्लोका
परायणा जना जीवन्तिनात्मार्थमसो पराशयम् मुमोच निर्विद्य कृता कलेवरम् हरे कृष्णा प्रभु जी शिवाय लोकस्य भावाय भूते शिवाय लोकस्य भावाय भूते या उत्तम श्लोक परायणा जना या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नामार्थम् असौ प्राश्रयम् निर्विद्य कुतः कलेवरम् माता जी शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए भूते आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक परायणा श्री भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जना मनुष्य जीवंती जीते हैं ना लेकिन नहीं आत्मा अर्थम स्वार्थ असो वह पर आश्रयम अन्य व्यक्तियों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया निर्विद्या समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः किस लिए कलेवरम मर्त्य शरीर को। हरे कृष्णा जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव के आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। हरे कृष्ण तात्पर्य परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्थिक कल्याण के लिए राजा बने थे अतः वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासन न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे अतः वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्यों पशुओं पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार शासन चलना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी ना थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर की प्रतिनिधि होता है अतः राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि कभी सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न दुग्ध फल तथा
तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें, तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा श्लोक है कि श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 12, इसमें शिवस्य लोकाय, शिवस्य मतलब शुभ कल्याण हेतु, शिवाय लोकस्य भवाय भूतं। तब जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए जीवित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद को कुछ इंटरव्यू लोग आके पूछे कि आप कोई अस्पताल तैयार नहीं करते, कोई स्कूल नहीं खोलते, कहीं पर कुछ भोजन नहीं देते, क्या सिर्फ हरे कृष्ण लोगों को माला देते हैं, भगवद गीता का ज्ञान देते, इससे क्या होगा? तो वो साधारण व्यक्ति जो अपने कॉन्सेप्शन अपनी धारणा के अनुसार ही सोचता है, शास्त्रों में कहा गया आत्मन्य मन्नते जगत, जो जैसा व्यक्ति होता है उसी अनुरूप सारा संसार को देखता है। चोर सारे संसार को चोर समझता है, साधु जो प्रवचन कर रहा है उसको भी चोर समझता है कि प्रवचन क्यों कर रहा है, इसमें इसको पैसा मिलेगा। कोई टीवी सीरियल बनाए रामायण महाभारत, वो क्यों बनाए, क्योंकि उसको उसको पैसा मिलेगा। हाँ, यद्यपि भगवान की सेवा करने से पैसा या धन रत्न भगवान भेज देते हैं ताकि उसके कुछ समस्या ना हो, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी जो सोच है उसी अनुसार वो जगत को देखता है। आत्मन्य मन्नते जगत, ये वेदों का कथन है। तो श्रील प्रभुपाद को जब पूछे कि आप लोग ऐसा क्यों सिर्फ हरि नाम करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और बाकी सब इतने सारे लोग, कोई रोगी रोग से पीड़ित है, अस्पताल नहीं है अच्छी तरह, आप लोग इसके लिए क्यों प्रयास नहीं करते? तो श्रील प्रभुपाद उत्तर दिया कि देखिए, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, ये सीधा आपका जो ऊपर जो जिस भैतिक रोग से आप पीड़ित है उसको 2 रुपया का टेबलेट देके इसको हम लोग ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उसको पूर्णतया उसका निराकरण कर रहे हैं। क्योंकि भगवत भक्ति वो पथ है कि भव रोग से आपको मुक्ति मिलेगा, भक्ति का पथ है, भक्ति में भव रोग से छुटकारा मिलेगा। इसका और उदाहरण क्या दें, कैंसर का ही उदाहरण लेते हैं। अगर कैंसर होता है किसी को, तो कैंसर भी विभिन्न प्रकार के हैं। किसी का ब्लड कैंसर है, किसी का ब्रेन हेमोराइजिया, क्या क्या बहुत सारे रोग है जो मैं नहीं जानता। तो कुछ जगह पर मान लीजिए उसका कैंसर है, तो उसको उस जगह को काटना पड़ता है, ऐसा ऐसा कुछ है। वही कौन है, तो भगवत भक्ति क्या है, कैंसर भी नहीं रहेगा, आपका पेट खराब भी नहीं रहेगा, आपका प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मतलब जितना सारा रोग है वो समस्त रोग से छुटकारा देता है भगवत भक्ति। तो भव रोग जो है ना, भव रोग में सब कुछ आता है, कैंसर भी आता है, वृद्धावस्था आता है, जन्म मृत्यु का दुख आता है, त्रिताप आता है, दैहिक दैविक भैतिक आपका। तो भव रोग में ये जितने सारे रोग है सब इंक्लूड है। ऐसे में कोई कैंसर है तो उसको उस तरह का दवाई दिया जाता है, अगर उसका पेट खराब है तो उसको पेट खराब का दवाई दिया जाता है, अगर किसी का मलेरिया हो तो उसको बुखार का टेबलेट या इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये तो एक रोग है, ये जो अस्पताल बनाना, वो रोगी है इसीलिए उसको अस्पताल जरूरी है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो अस्पताल का कुछ मूल्य नहीं है। वो भूखा है इसीलिए उसको भोजन जरूरत है, होटल। किंतु भव रोग क्या है, भव रोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में।
श्रील प्रभुपाद जी इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस तैयार किए है। श्रील प्रभुपाद पूरे पूरा जो भव रोग है, भव रोग को ही वो उखाड़ फेंके है। तो इसको वो चीज करता है, तो इसीलिए यहां पर सोनकादि ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी से इस चीज का कंसल्टेशन कर रहे हैं। जो लोग भक्तिमय सेवा में युक्त है वो दूसरों के कल्याण के लिए जीवित है, क्योंकि भक्तिमय सेवा वो साधन है जिससे व्यक्ति नॉट ओनली कैंसर रोग, मलेरिया रोग, पेट व्यथा रोग, बल्कि पूरी तरह से समस्त भव रोग से ही वो उद्धार हो जाता है। तो ये शक्ति है भक्ति के अंदर, दूसरे किसी जगह में ये उपलब्ध नहीं है। तो वो किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। जो भक्त होता है वो किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अभी स्वार्थ और निस्वार्थ की परिभाषा हम लोग को थोड़ा समझना है। स्वार्थ क्या है? प्रहलाद महाराज भागवतम में बता रहे कि लोग तो इतने मूर्ख है कि वास्तविक स्वार्थ क्या है उसी को, वही उन लोगों को पता नहीं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इस स्वार्थ जो वास्तविक जो स्वार्थ है वो है भगवान विष्णु को जानना, विष्णु की भक्ति करना, विष्णु के लिए अपने आप को समर्पण करना, ये वास्तविक स्वार्थ। लेकिन लोगों को ये चीज पता ही नहीं। नते विदु मतलब कोई भी नहीं जानता स्वार्थ गतिम ही विष्णु की, स्वार्थ जो है एकमात्र विष्णु। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं ये वर्ड, वो बहुत स्वार्थी है, वो बहुत निस्वार्थी है। इसका अर्थ क्या है? स्वार्थी मतलब वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, जस्ट अपना फैमिली, अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना लाइफ लाइक दैट, ये स्वार्थी। और निस्वार्थी मतलब जो सबका भला चाहेगा, मैं प्रवचन दूंगा आप सबको और आप लोग बवा होकर रहेंगे मूर्ख की तरह, ये स्वार्थ है। और निस्वार्थ क्या है? मैं प्रवचन दूंगा, मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को भी प्रवचन देने का अधिकार है, या आप लोग भी भगवान के बारे में बोलेंगे। वही बताया ना, मेरे गुरु महाराज का फिलोसॉफी है कि सच्चा गुरु गुरु बनाते हैं, शिष्य नहीं। सच्चा गुरु गुरु बनाता है, तो मैं आप सबको गुरु बना रहा हूं, शिष्य नहीं। अगर शिष्य बनाता तो आप सबका ओवरव्यू नहीं लेते, जस्ट अपना लेक्चर फिनिश करके चलो घर जाओ। लेकिन हमारे गुरु परंपरा का फिलोसॉफी ऐसा नहीं है। हमारे गुरु परंपरा का फिलोसॉफी है गुरु बनाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन में कभी भी अपने शिष्यों को शिष्य करके नहीं पुकार, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि आप सब मेरे गुरु हो। तो ये बात क्यों बोले? किसी को शिष्य नहीं माना था, बोले कि आप सब मेरे गुरु हो। वो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पीछे इसका कुछ रहस्य था, क्योंकि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको वो फीलिंग देता यू आर ऑल ऑफ माय डिसाइपल, आप सभी मेरे शिष्य है, तो वो शिष्य के अंदर वो जोश, वो पावर, वो शक्ति नहीं आता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो विनम्रता भाव, जो अपने शिष्यों को गुरु रूप में संबोधित, मतलब आप सभी मेरे गुरु बरे से बोलते थे, है ना। तो ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विनम्रता है। तो ये है हमारे आचार्यों का परंपरा, ये हमारे गुरु परंपरा की शिक्षा। इसीलिए हमारे क्लास का जो नियम है, हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सिखाया गया है उसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कोई मेंटल स्पेकुलेशन का स्थान नहीं है। भक्ति जीवन में कोई मनगढ़ंत का कोई स्थान नहीं है, और भक्ति जीवन में टिके रहने के लिए, कहीं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुशासन जरूरी है। गुरुदेव शासन भी करेगा, उसको डांटेगा भी, प्यार भी करेगा। अगर कोई सोचे नहीं मुझे प्यार चाहिए, मुझे डांट नहीं खाना है, तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। ये हर इंस्टीट्यूट का कहना है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, मेटेरियल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मायापुर इंस्टीट्यूट हो, BIHE हो,
हर जगह गुरुदेव शासन करेगा। शिष्य मतलब शासन ग्रहण करना, अगर शासन ग्रहण नहीं करेंगे तो शिष्य नहीं है, और अगर कोई शिष्य नहीं है तो गुरुदेव का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ये बिलस हो। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्याग गया जो दूसरों के लिए आश्रित हुए। सोनकादि ऋषिगण यहाँ पे पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी को कि दो प्रकार के लोग हैं, एक है स्वार्थी एक है निस्वार्थी। स्वार्थी सिर्फ अपने लिए जीता है, निस्वार्थी दूसरों के लिए जीता है। तो परीक्षित महाराज इस तरह के महान व्यक्तित्व थे कि दूसरों के लिए जीता था, दूसरों के आश्रय तुल्य था वो। जैसे पेड़ क्या करते, वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, आश्रय देते हैं। तो परीक्षित महाराज इतने सारे लोगों को आश्रय दिए थे, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना दिव्य गुणावली होते हुए भी वो क्यों अपने शरीर को त्यागा या अपना राज शासन सब कुछ छोड़ा, ये सब प्रश्न सोनकादि ऋषिगण पूछ रहे सुत गोस्वामी। तो तात्पर्य में इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वो भागवत भक्त थे। तो आदर्श राजा तथा गृहस्थ, आदर्श आदर्श राजा किसको कहा जाता है, हर चीज में जब आदर्श लग जाता है आइडियल तो व्यक्ति आकर्षक बन जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, आध्यात्मिक दुनिया में हो, राजनीतिक में हो। अगर वो व्यक्ति आइडियल है तो उसको हर कोई सम्मान करेगा। अगर कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट प्लेयर है बड़ा, लेकिन अगर वो आइडियल है अपने जीवन में तो हर कोई उसको लाइक करेगा। अगर कोई राजनीतिज्ञ है अच्छी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इवन गुरु महाराज लोग लाइक करते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जयप्रदा गोस्वामी महाराज, भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज, या विश्व के हर कोने के लोग क्यों क्यों उसको लाइक करते हैं। वो स्वार्थ के लिए नहीं जीते, अपने पेट भरने के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ, जिसके कारण एवरीबॉडी लाइक, हर कोई उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये आइडियल व्यक्ति की पहचान है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा पसंद कर रहे, इसका मतलब उनके अंदर आदर्श गुण है। भगवान रामचंद्र को हर कोई प्यार करते हैं, हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भूमिका मतलब उसको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र के अंदर वो दिव्य गुणावली है, युधिष्ठिर महाराज के अंदर वो दिव्य गुणावली है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज है दिव्य गुणावली। अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए लोग, इसके कारण हर कोई उसको लाइक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि जत जत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तोरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते, कि महापुरुष जो जो आचरण करता है और अपने उदाहरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है सारा विश्व उनका अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, सारा विश्व उनका अनुसरण करे जो व्यक्ति आदर्श स्थापित करते हैं। प्रभुपाद आइडियल सोसाइटी स्टैब्लिश की, इसको आदर्श। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति विशेष के जीवन में हो या सामाजिक हो, अगर व्यक्ति आदर्श आइडियल बन जाता है तो हर कोई उसको लाइक करेगा, उनसे प्रेम करेगा, है ना। आदर्श बहुत सारे व्यक्ति है इस संसार में जो बोलते बहुत कुछ, करते कुछ नहीं, है ना। इसीलिए जितना बोलेंगे एटलीस्ट उसको करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत सारे उदाहरण है ना। उदाहरण अभी नहीं दिया जाएगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि भगवत भक्त में स्वतः समस्त दिव्य गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। परीक्षित महाराज जो भगवत भक्त होते हैं ना, उसके अंदर समस्त दिव्य गुण उत्तम गुण आ जाता है स्वतः। और परीक्षित महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे भगवत भक्त का।
व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी। हम लोगों के पास मान लीजिए एक नौकरी मिला है छोटा खाटा, उदाहरण स्वरूप 20-25 हजार रुपया, 20-30 हजार रुपया मंथली आता है, अपना घर है, उसी में हम लोग फले फूले नहीं समाते। ओनली एक घर है और एक छोटा सा 20-25 हजार रुपया का नौकरी। लेकिन परीक्षित महाराज नॉट ओनली भारत बल्कि पूरे पृथ्वी का राजा था, नॉट ओनली स्थल बल्कि जल समुद्र समेत परीक्षित महाराज इतने पृथ्वी के महाराज थे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ त्याग दिया यूं ही चुटकी भर। क्यों त्यागा? वैदिक संपत्ति के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो दिव्य गुण था। जिस भक्त के अंदर दिव्य गुणावली रहेंगे ना, वो किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होंगे इस संसार में। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सरल हृदय वाले और एक होता है ओवर इंटेलिजेंट। तो जितने सारे ओवर इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है संसार में, वो सभी ठग जाते हैं। ओवर इंटेलिजेंट की परिभाषा है दुर्योधन, ओवर इंटेलिजेंट की परिभाषा है हिरण्यकशिपु, ओवर इंटेलिजेंट की परिभाषा है रावण, है ना। ये सब अपने जीवन में, ओवर इंटेलिजेंट की परिभाषा है कंस, ये सब अपने जीवन में, ओवर इंटेलिजेंट की परिभाषा शकुनी, है ना। सरल हृदय नहीं है ये सब, ओवर इंटेलिजेंट मतलब भगवान से भी बड़ा अपने आप को सोचते हो। जैसे अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो विष्णु रोम रोम में समाये, वो मेरे अंदर में भी ये सब के हृदय में, बोल के हाँ और बताइए और आगे क्या है। प्रहलाद महाराज बोले कि लेकिन वो आप नहीं हो, है ना। तो बोले कि मैं अगर ईश्वर नहीं हूं, मैं तो सामने आपके खड़ा हूं, आपका ईश्वर तो यहाँ पे नहीं है। बोले कि वो है मेरे पास, मैं देख पा रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो हिरण्यकशिपु क्या बोले, तो ठीक है तब दिखाते हैं आपका विष्णु आपको कैसे बचाएंगे। उसको चारों तरफ से तलवार से काटा जा रहा था, तो लेकिन क्या उसको काट पाए, उसको मार पाए? रामोहन सिंह पर क्या कहना, उसको मार पाए? नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये संसार के जो मुथा, अगर मान लीजिए भगवान है नहीं, अपने आप को भगवान मानेंगे, अब प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की तरह नाटक करेंगे, तो क्या उसको कुछ काम होगा? 1% भी काम नहीं होगा, 100% तो दूर की बात है, 1% भी काम नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नहीं है और अपने आप को सोचे कि मैं भगवान हूं, और तुम भगवान की बात नहीं मान रहे, चलो तुमको मारते हैं, तो चारों तरफ से तलवारें बरसाए जा रहे, लेकिन कुछ कर पाया नहीं। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान की शरण में, ओरिजिनल भगवान के, प्रहलाद महाराज, तुम तो झूठा भगवान हो। इसीलिए हम लोग को इससे शिक्षा क्या मिलना है कि जो भगवान की शरण में रहते हैं, सच्चे भगवान के, राधा माधव के, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि वो अपने आदर्श, अपने जीवन में जो आदर्श के द्वारा जो भक्ति जीवन का पथ को जो ग्रहण किए हैं, वो किसी भी क्षेत्र में किसी से डरेगा नहीं, वो व्यक्ति फ्रेंकली होता। व्यक्ति कब डरता है किसी से? जब उनको भय रहता है कि मेरा भरण पोषण कब करेगा, कौन करेगा। प्रहलाद महाराज को क्या बताया हिरण्यकशिपु कि जो व्यक्ति इनको पानी देगा, उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। हिरण्यकशिपु बोले जो व्यक्ति इसको भोजन देंगे, उसका पूरा खाना पान सब कुछ जला दिया जाएगा, और जो व्यक्ति इसको आश्रय देंगे, उसके घर को उजाड़ दिया जाएगा, है ना। हिरण्यकशिपु किया तो क्या प्रहलाद महाराज मरे या अभी भी है अमर? कौन मरा? हिरण्यकशिपु मरा, क्योंकि वो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान बता रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण की शरण लिए थे, इसलिए प्रहलाद का कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए, ना उसका रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए कुछ प्रसाद है, ना कपड़ा है, ना रहने के लिए कहीं पर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जंगल में भटक रहे। किसके सहारे? भगवान कृष्ण के सहारे।
ऐसे ही महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल तक प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र नहीं सुने थे, है ना, एरे गेरे भक्त का नहीं सुने थे ऐसे ही, बल्कि महान भक्त है प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो 5 साल की आयु में कितना बड़ा दृढ़ संकल्प, जैसे बोले कि तुम मेरे राज्य से हट जाओ, तुमको कोई खाना नहीं देगा, जो खाना देगा उसको मारेंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज परवाह नहीं की, उनके पिताजी को प्रणाम करके जाना, लेकिन उनका पिताजी प्रणाम को ठुकरा दिया, तो फिर भी प्रहलाद महाराज अपने फिर अपनी माँ के पास गए, उनसे भी प्रणाम किए, फिर चले गए, दैट इज आइडियल आदर्श, है ना। तो आदर्श व्यक्ति का अनुसरण भगवान तक करता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में तो रोज एक ही लीला सुनते थे, प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। तो ऐसे है आदर्श भक्त, ऐसे है महान भक्त, तो ऐसे ही परीक्षित महाराज थे। उसका कोई सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, हमारा 20-25 हजार रुपया का नौकरी है उसी में हम लोग अटैचमेंट हो जाते हैं, एक महीना वेतन नहीं मिलते तो एकदम हा होड़ कर देते हैं, लेकिन उनके पास कितना ऐश्वर्य था, फिर भी वो चुटकी भर ऐसे ही यूं ही गंवा दिए, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं, उनका आसक्ति कृष्ण के प्रति। चूंकि जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, कौन, परीक्षित महाराज, अतवे वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे, है ना। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद इस लाइन को क्या लिखा, कि जब तक परीक्षित महाराज जिए, मतलब इस जगत में धराधाम में थे, तब तक वो जनता की भलाई की, और जब परीक्षित महाराज इस जगत से चला गया, फिर भी वो जनता की भलाई कर रहे हैं। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कैसे, जूम क्लास के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, सारे जगत को कृष्ण कथा सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज की कृपा से ना हुआ, नहीं तो भागवतम क्या यूं ही आता ऑटोमेटिक आकाश से, क्या वर्षा की तरह आते नहीं, आते। परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसा घटना घटे जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाने के लिए बाध्य हो, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी तो इससे पहले किसी को नहीं सुनाए थे, व्यासदेव भी नहीं सुनाए थे, लेकिन परीक्षित महाराज ही वो व्यक्तित्व है जिनकी कृपा से सारे जगत वासियों को, जनता को श्रीमद् भागवतम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे है परीक्षित महाराज, तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे, यह है परीक्षित महाराज। वे कसाई घरों की या गोबत की अनुमति नहीं देते थे, वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का बात धोने देते, है ना। इस संसार में बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कुछ कुछ ऐसे मिशन है भारतवर्ष में भी, कलकत्ता में भी, जो गरीबों को कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, लेकिन गोबत के लिए अनुमति देते, कसाई खाना की अनुमति देते। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि इस तरह का व्यक्ति का जरूरत नहीं संसार में, ये लोग आदर्श भी नहीं है और जनता का भलाई भी नहीं कर पाते ये लोग, है ना। एक जगह पशु को काटने के लिए, उसको वध करने के लिए, और दूसरे जगह गरीबों को भोजन देने, ऐसा चल रहा है संसार में। तो परीक्षित महाराज भगवत भक्त थे, अतः वो ये अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। जो भगवत भक्त होता है ना, उसको पता है कि किस समय क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है। जो भगवत भक्त होता है उसको ये सब पता रहता है। भगवत भक्त परफेक्ट जेंटलमैन होता है, भगवत भक्त पूर्ण ज्ञानी होता है।
पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को ही पता रहता है कि किस समय मुझे क्या करना है, किसके लिए क्या करना है। तो भगवत भक्त इतने महान होते हैं कि उसको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पता है। परीक्षित महाराज को पता था कि अगर मैं इसी संसार में चिपका रहूं इस धनेश्वर्य के पीछे तब जगत का कल्याण नहीं होगा। जबकि इस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है, इसमें भी भगवान का हाथ है, तो चलो ना भगवान की सेवा किया जाए। यही है आदर्श भक्त की पहचान। वो अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। तो प्रहलाद ये जो हमारे परीक्षित महाराज, वो अपने स्वार्थ में रुचि नहीं रखते। स्वार्थ क्या है? एक तो आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित मतलब मुझे चाहिए, और आत्म विस्तारित, आत्म केंद्रित और आत्म विस्तारित, वो इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। तो राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतवे राजा और परमेश्वर का उद्देश्य जैसा होना चाहिए। तो भगवान का उद्देश्य क्या है जगत में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का भी कर्तव्य कि जनता धर्म कर रहे कि नहीं, भक्ति कर रहे कि नहीं। जैसा राजा का कर्तव्य है उसी तरह भगवान का भी कर्तव्य। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो, भगवान का ये इच्छा है। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतः वे प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख दे रहे कि एक राजा जो होता है ना, उनका कर्तव्य क्या है? सारे प्रजा को भगवत धाम वापस ले जाने का कार्य करे। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य जैसे परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सरल भाषा में जनसाधारण को समझा रहे हैं कि जब अच्छा राजा हो, अच्छा प्रतिनिधि हो भगवान का, तो हर सब कुछ परिपूर्ण रूप से है। भिंडी सब्जी है, बैगन सब्जी है, आलू है, कटहल है, एप्पल है, केला है, खाने के लिए अंगूर है, सब कुछ है। सब कुछ है, क्या नहीं है संसार में? सब कुछ है। तो लोगों को ये सब पशु हत्या करने की, पशु खाने का जरूरत नहीं है। अन्न दुग्ध फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। अगर सबको खाना मिले, सबको प्रसादम मिले, तो एक दूसरे का थोड़ी होड़ रहेगा या ईर्ष्या करेगा, अरे तुमको ज्यादा मिला मुझे कम। नहीं, जीव जीव में कोई परस्पर उपद्रव नहीं हो। तो महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतवे उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तो इस संसार में जो भी राजा, अच्छा राजा जो होते हैं ना, वो सारा संसार को सुखी बना सकते हैं। कहने का अर्थ है जो भक्त होता है, भक्त सारे संसार को सुखी बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा राजा क्या है, कौन है वर्तमान जगत में? श्रील प्रभुपाद भगवान का आदर्श प्रतिनिधि, जो सारे जगत में शुद्ध कृष्ण भावना में फैलाकर सारे जीव को, नागरिक को, जनता को सुखी बनाया। तो ऐसे राजा के श्री चरणों में हम लोग डेडिकेट है, हम लोग शरणागत है, तो हमारा जीवन भी धन्य।
चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। हरे कृष्ण।